गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे डिस्कस अबाउट योर जीके बुक चैप्टर 3 एक्शंस। आज हम आपको एक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे एक्शंस क्या होते हैं। लुक एट द पिक्चर्स, दिस इज drinking, this boy is drinking, this girl is eating, this girl is eating, this boy is standing, this boy is standing, next this boy is sitting, boy सोफे पर बैठा हुआ है, इसका क्या action है, this boy is sitting, this boy is yawning, this boy is yawning, this boy is walking, this boy is walking, this boy is running, this boy is running, this girl is dancing, this girl is dancing, this boy is प्लेइंग। जैसा कि आप प्लेइंग करते हैं, खेलते हैं, तो आपकी बॉडी कैसे मूवमेंट करती है, क्या एक्शन होता है आपकी बॉडी का, प्लेइंग, दिस बॉय इज प्लेइंग, दिस बॉय इज स्नीजिंग, दिस बॉय इज स्नीजिंग, दिस बॉय इज क्राइंग, दिस बॉय इज क्राइंग, दिस गर्ल इज स्माइलिंग, दिस गर्ल इज स्माइलिंग। जब हम स्माइल करते हैं तो हमारा माउथ का एक्शन क्या होता है, देखिए ऐसा होता है ना हमारे माउथ का एक्शन, तो ये एक्शन हमारा क्या फील कराता है, स्माइलिंग का। नेक्स्ट है दिस गर्ल इज रीडिंग। जब आप रीडिंग करते हैं, स्टडी करते हैं, तो आपकी बॉडी का मूवमेंट कैसा होता है, दिस एक्शन इज रीडिंग, तो दिस गर्ल इज रीडिंग, दिस बॉय इज राइटिंग, दिस बॉय इज राइटिंग, दिस गर्ल इज स्लीपिंग। जब आप सोते हैं तो आपका एक्शन जो होता है कैसा होता है, आपकी बॉडी का एक्शन इसी तरह होता है ना, तो ये क्या हुआ, दिस गर्ल इज स्लीपिंग। बेटा इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ आंसर और क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। रीड करते हैं, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट डू यू यूज़ अ चेयर फॉर, हम चेयर का यूज किस लिए करते हैं, सिटिंग, यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सिटिंग। व्हाट इज़ द गर्ल ऑन द बेड डूइंग, गर्ल बेड पर क्या कर रही है, स्लीपिंग, तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे, स्लीपिंग। व्हाट इज़ द बॉय विद द कैप डूइंग, बॉय कैप डूइंग, यानी कि बैग बॉय जो है कैप के साथ क्या कर रहा है, वॉकिंग, तो यहाँ पे हम क्या आंसर फिल करेंगे, वॉकिंग। तो बेटा ये आपके एक्शंस हैं, आपकी बॉडी वर्क करते समय जिस प्रकार का मूवमेंट करती है वही हमारे एक्शंस होते हैं। तो ये एक्शंस हमारे बॉडी के मूवमेंट से होते हैं। ओके बेटा, आपको ये समझ में आया हमारे एक्शंस क्या होते हैं। आप इस वीडियो को रिपीट करके 2-3 times देखिएगा और आपको इसके एक्शंस लर्न करने हैं। जो ये एक्शंस वर्ड दिए हुए हैं, ये सारे एक्शंस वर्ड आपको लर्न करने हैं, और लर्न करने के बाद इस क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पे राइट करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।